फ्रेंड्स, मैं हूँ युवराज मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो एक्सपर्ट्स। तो मैं आज आपके लिए गुड न्यूज़ लाया हूँ बेस फोर्स कार्स के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में COVID-19 कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। तो यहाँ इंडिया में BS6 नियमेशन लॉब्स अप्रैल से अलाउ होने वाले थे, तो लॉकडाउन की वजह से BS4 कार्स सोल्ड नहीं हो पाई। तो कोर्ट ने यहाँ पे 30 अप्रैल तक उनका रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड कर दी कि 30 अप्रैल तक आप BS4 कार अलाउ है, आप सोल्ड कर सकते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से 30 अप्रैल तक भी BS4 कार्स सेल नहीं हो पाई। तो यहाँ पे डीलर्स ने अपने BS4 कार्स अपने नाम करा ली, अपने रिश्तेदार्स के नाम करा ली और अपने ओल्ड वर्कर्स यानी पुराने वर्कर्स के नाम करा ली। तो अभी आप जैसे डीलर्स के पास फ़ोन करेंगे कि मुझे BS4 कार चाहिए, तो वो आपको कहेंगे कि उनके पास नहीं है, सोल्ड आउट हो चुकी हैं, वो अभी आपको नहीं दे सकते। लॉकडाउन खुलने के बाद वो आपको हैवी डिस्काउंट्स पे BS4 कार्स देंगे, पर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि उनको तो वे आपको मतलब पॉपुलर्स कार्स पे आपको नहीं देंगे बिग डिस्काउंट। डिस्काउंट देंगे पर उतना बड़ा नहीं देंगे जितना आपको कम सोल्ड होने वाली, कम सेल होने वाली कार्स पे देंगे। जैसे पॉपुलर कार्स में आपकी थी नेक्सॉन, ब्रेजा, स्विफ्ट और आपकी अल्टो और बहुत सारी गाड़ियाँ आती, क्रेटा आती है, MG हेक्टर आती है, इन सब में आपको उतना नहीं मिलेगा। जो कम सेल होती है उनमें आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आप उनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं, पर वो आपको उतना तब भी बार्गेन करने के बाद भी उतना ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि पब्लिक आएगी, पीपल्स आएंगे BS4 कार खरीदने के लिए हैवी डिस्काउंट्स पे। तो वो आपको कहेंगे मैं इतना ही दे सकता हूँ, तब फिर भी आप थोड़ा सा बार्गेन करके थोड़ा सा डिस्काउंट और ज़्यादा ले सकते हैं। तो आज मैं आपको इसके बुराइयाँ बता देता हूँ BS4 कार्स लेने की और अच्छाइयाँ भी बताऊँ। तो चलिए BS4 कार की बुराई मतलब BS4 कार्स का ना लेने से वो तो आप जैसे जान सकते हैं कि BS4 कार्स अगर आप लेंगे तो वो पहले से ही फर्स्ट हैंड हो चुकी हैं, पर वो गाड़ी चली नहीं होंगी, शोरूम में ही खड़ी होंगी। पर जब आप लेंगे मोटे मतलब हैवी डिस्काउंट्स के साथ, तो आप जब लेंगे तो उस पर सेकेंड हैंड लिखा होगा RTO पे, रजिस्ट्रेशन पे, तो RC पे। तो पर डीलर आपको कहेगा कि आप इस पे मतलब स्टाम्प पेपर पे आप साइन करके गाड़ी ले सकते हैं, पर आप ऐसा मत कीजिएगा, आप RTO पे ही जाके RC पे सेकंड हैंड चढ़वा के ही लीजिएगा अगर BS4 आप ले रहे हैं तो। और आपको इंश्योरेंस भी अपने नाम ट्रांसफ़र कराना होगा। आपको यहाँ पे BS4 कार्स में एक चीज़ और मिलेगी कि आप जब 5 साल बाद बेचेंगे अपनी गाड़ी तो आपको तब उसका रीसेल कम मिलेगी, थर्ड हैंड वाली रीसेल मिलेगी कार में आपको। तो ये चीज़ आप ध्यान रख के ही BS4 कार्स लीजिएगा। और एक और बात, अगर जैसे आप BS4 कार्स ले रहे हैं EMI पे, तो आपको दुगनी EMI भरनी पड़ेगी, क्योंकि नई कार्स की EMI में, ब्रांड न्यू कार की EMI में, फर्स्ट हैंड वाली EMI में आपको 3 से 4% भरनी पड़ती है, पर आप जब सेकेंड हैंड EMI में लेते हैं तो आपको 10 से 12% भरनी पड़ती है। तो इसी हिसाब से आपको BS4 कार देख के लेनी चाहिए। अगर आप BS4 कार ले भी रहे हैं तो पेट्रोल में लीजिए, पेट्रोल में आपको क्या है, ज़्यादा वैलिडिटी रहेगी, 15 ईयर्स तक रहती है, तो आप उसको चला सकते हैं। और 15 साल तक, वैसे कोई नॉर्मल इंडियन पीपल 6-7 साल ही चलाता है अगर पेट्रोल चलाता है तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा पेट्रोल में। पर अगर आप डीजल लेंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आप 5 साल 10 साल तक ही उसकी वैलिडिटी होती है। आप 5-6 साल में थी मतलब लेंगे कार और थर्ड हैंड की वैल्यू पे जाएगी तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप BS4 कार ले रहे हैं तो पेट्रोल पे लीजिए, तो आपका कम नुकसान होगा। और आपको जैसे रजिस्टर और तो आपका कम नुकसान होगा, पर मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप BS4 कार ले रहे हैं तो पेट्रोल में लीजिए, वरना डीजल में लेना है तो BS6 लीजिए, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा के। और आपको एक और चीज़ की आपको एक और चीज़ आपको इसमें मिलेगी कि अगर आप BS4 कार ले रहे हैं तो उसमें आपको डीलर जो है इंश्योरेंस करे करता इंश्योरेंस करके लिया होगा, तो उसमें आपको इंश्योरेंस में मतलब थर्ड पार्टी वाला इंश्योरेंस मिलेगा, तो वो आपके अच्छा नहीं है, 1 साल के लिए कर सकते हैं, वो 1 साल का होगा। तो आपको 1 साल तक तो अगर जैसे आप क्लेम को लेना है तो वो आपको कम मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, गाड़ी चोरी जाती है तो पूरा नहीं मिलेगा, आधा से कम ही मिलेगा थर्ड पार्टी में। ये आपका एक डिसएडवांटेज है BS4 कार लेते समय, पेट्रोल में या डीजल दोनों में ही। तो यही सब डिसएडवांटेजेस थे BS4 कार
लेने के। और एक और बात, अगर आप BS4 कार ले रहे हैं तो आपको उसमें पॉल्यूशन, नई नई कार आप अगर आप लेते हैं तो उसमें 6 महीने तक पॉल्यूशन नहीं कराना पड़ता, 6 महीने तक आपको पॉल्यूशन नहीं कराना पड़ता, पर वो सेकेंड हैंड हो जाएगी तो आपको पॉल्यूशन तुरंत ही करवाना पड़ेगा। ये हर स्टेट्स में अलग अलग RTO नियम होते, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो यही सब चीज़ें थी BS4 कार लेते समय आपको देखने की। और आप एक और चीज़ देख लीजिएगा कि गाड़ी कहीं से मतलब रस्ट तो नहीं है अंदर पार्ट्स में, ये क्योंकि गोडाउन में बहुत दिन तक खड़े रहते समय, बारिश के समय, ये समय तो आपका रस्ट लग जाता है कुछ कुछ पार्टों में। तो आप एक बार अच्छे से इंस्पेक्शन लेके देख के ही BS4 कार लीजिएगा, अगर लीजिए BS4 कार आप ले रहे हैं तो। वैसे तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप इंस्पेक्शन करके अच्छे से पेट्रोल ही लीजिए, अगर BS4 ले रहे हैं हैवी डिस्काउंट पे कोई दिक्कत नहीं, आप पेट्रोल लीजिए कोई दिक्कत नहीं उसमें। डीजल में मैं तो प्रेफर नहीं करता, डीजल में आप BS6 पे जाइए, वो ज़्यादा सही है आपके लिए, डीजल में BS6। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक माई चैनल ऑटो एक्सपर्ट्स, थैंक यू।